हेलो धुरंधरों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 27 अगस्त है और 27 अगस्त प्रातः है सुबह 6 बजे डेली करंट का तहलका आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, जो कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन डीपली वाइज हर क्वेश्चन को समझाता हूं जो आने वाले पेपरों के लिए हो इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं रोज आपको बताता हूं, फिर एक बार बताता हूं। जो भी बच्चा एसएससी के थ्रू, बैंक के थ्रू, आरबीआई जो बैंक वगैरह होते हैं, एनडीए के या स्टेट पीसीएस तक की जो तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है और हर वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है जो डेली करंट के तहलका में कराता हूं। ठीक है, आपके लिए सभी चीजें फ्री होती हैं, निःशुल्क होती हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और फिर मैं बता रहा हूं कि मेरी हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की मैं जीके से रिलेटेड सभी चीज करवाता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पर, और फ्री होती है सब कुछ, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 6th to 10th क्लास एनसीईआरटी विद प्रैक्टिस सेट के साथ मैं करवा रहा हूँ, अपनी करवा चुका हूँ बैच को प्रॉपर तरीके से, आप जाकर के देख सकते हो उस बैच को भी। जो बच्चा बिल्कुल जीके में लो है, उसको जीरो से हीरो बनाने का काम मैं कर दूंगा अगर वो मेरे बैच को ले लेगा। 60 से 70 क्लासेस पढ़ी हुई है ऑलरेडी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की एंड ज्योग्राफी की, तीनों की प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जाकर के देख सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने डेली करंट का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के। ठीक है, 1 अगस्त को आपको मैं बता चुका हूँ वर्ल्ड लंग्स डे होता है, 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया स्वतंत्रता दिवस, 4 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब उसमें नागासाकी दिवस भी होता है। ठीक है, ये मैंने जिस दिन ये करंट अफेयर कराए थे 6 अगस्त को, 9 अगस्त को प्रॉपर तरीके से इनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 23 अगस्त को दास व्यापार उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 अगस्त को यूक्रेन का दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चली हुई है, अभी छिड़ी हुई है। ठीक है, और एक बात और बतानी भूल गया मैं, 26 अगस्त को, ठीक है, 26 अगस्त को कल जो था महिला समानता दिवस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्यों मनाया जाता है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह मतदान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अमेरिकी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 1920 से पहले अमेरिकी महिलाओं को कोई भी मतदान नहीं देने का अधिकार नहीं था वहां पर, तो 1920 26 अगस्त के दिन ये अधिकार मिला था महिलाओं को। ठीक है, और एक और बात बताऊं गहरी बात, कि ब्रिटेन को 1928 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अटका भी सकता है, 1920 में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला 1920 में अमेरिका के को, और ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, 1928 में उनको मिला था। ठीक है, इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह पहली बार 1971 में मनाया गया था, 1973 में कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरकार ने किस व्यक्ति को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सतीश रेड्डी थे अभी तक, तो अब फिलहाल जो हो गए हैं इनमें से ऑप्शन देख लो, सतीश रेड्डी, श्री अजय भट्ट, राजनाथ सिंह या समीर ती कामत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, समीर ती कामत इज द राइट आंसर हो जाता है। ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में निर्मित किए गए, नियुक्त किए गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, डीआरडीओ के फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और नए अध्यक्ष बन चुके हैं समीर ती कुमार। आइए इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो समीर ती कामत है ये सतीश रेड्डी की स्थान लेंगे, इसके अतिरिक्त उन्हें रक्षा अनुसंधान विभाग का सचिव नामित किया गया है। समीर भी कमात ये जो आरडीओ में नौसेना प्रणाली के सामग्री के महानिदेशक में कार्य करते थे। ठीक है, समीर भी कमात 60 वर्ष की आयु तक अगले आदेश तक डीआरडीओ के अध्यक्ष रूप में कार्य करेंगे, और जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार में नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश रेड्डी जो अभी तक अध्यक्ष थे वो आगे चल के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनेंगे। नई नियुक्ति में रक्षा अनुसंधान के उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की मदद करेंगे। थोड़ा मैं बता दूं डीआरडीओ क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर रखी है। अब जान लेते हैं जो डीआरडीओ
वो क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यह भारत का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन, आपको पता होगी ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर की गई थी। इसके इसका देश भर में 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। यह भारत समस्त बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिक और उत्पाद को विकसित करने में शामिल है। कौन? DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। यह अपने प्रशिक्षण सभी प्रशिक्षण चांदीपुर में, चिल्का झील में, उड़ीसा के अंतर्गत करता है, आपको पता है, मैंने कल ही क्लास में करंट अफेयर में करवाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत किस योजना को लागू किया? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लेकर के चल रहे हैं भारत ब्रांड के तहत। अब ये है क्या चीज, इसके बारे में बता देता हूँ। भारत ब्रांड के तहत ये क्या है ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सभी उर्वरक कंपनियां जो DAP DAP जो बनाते हैं ना, जो जैसे कि खाद वगैरह मारते हैं अपने खेतों के अंतर्गत, तो उस चीज को लेकर के तरह तरह के नाम नाम के DAP वगैरह आते हैं, खाद वगैरह आते हैं, तो उन सभी को एक ही नाम दिया जा रहा है, उसको लेकर के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है ठीक है। सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के एक ही ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया गया है। आदेश के बाद यूरिया जिसको कहा जाता है, जिसको या फिर डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP शॉर्टकट में कहते हैं, या म्यूरेट ऑफ पोटास MOP या NPK युक्त सभी उर्वरक भारत ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। एकल ब्रांड नाम भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK आदि होगा, ये इंपोर्टेंट है। सरकार के निर्देश अनुसार खाद की बोरियों पर एकल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और यह परागण समय में माल ढुलाई शुल्क को कम करेगा और पूरे वर्ष उर्वरक को उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ही ब्रांड बनेगा। कुल मिलाकर बात ये है, खाद की नई बोरियां 2 अक्टूबर से पेश की जाएंगी और कंपनियों को अपने पुराने बैग खत्म करने के लिए 12 दिसंबर तक ये समय दिया गया है। ये भी इंपोर्टेंट है, जो भी इससे रिलेटेड जानकारी देना चाहता है, जिसके घर में ये चीज DAP वगैरह इन चीजों को जो दुकान खुलती है ना वो, तो उनको बता भी सकता है, वो काफी अवेयरनेस हो सकते हैं इस चीज को लेकर के ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कब से शुरू हो रहा है? भारत के अंदर पहला खेलो महिलाओं के लिए सिर्फ जूडो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, ये 27 अगस्त मतलब आज से शुरू हो रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो खेलो इंडिया हो रहा है जो जूडो महिलाओं के लिए है, यह जो टूर्नामेंट हो रहा है यह देश में 4 जोनों में खेला जाएगा ठीक है। यह नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय राउंड 20 से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा और युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत महिलाओं के खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य प्रयास के रूप में जूडो टूर्नामेंट शुरू किया, जो कि पहली बार हो रहा है। खेल विभाग ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 1.74 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, 48.86 लाख रुपए दिए जाएंगे, पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और एक और बात बता दूं कि टूर्नामेंट जो हो रहा है 4 वर्गों में हो रहा है, 4 आयु वर्ग, मतलब कि जैसे कि सब जूनियर होगा 12 से 15, कैडेट होंगे 15 से 17, जूनियर होंगे 15 से 20 और सीनियर होंगे 15+ वर्ष की ठीक है। इसके अंदर खेलो इंडिया के अंदर ये महिलाओं का टूर्नामेंट हो रहा है जूडो को लेकर के, पहली बार हो रहा है। आपके सामने सभी चीज मैंने बता दी, कहां पर हो रहा है, किस स्टेडियम में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कब से स्टार्ट है, ये सभी चीजें आपको मैं बता चुका हूं और कितने वर्गों में ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हो रही है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को किस में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है भारत के अंतर्गत? तो BSF, CRPF, IMF या BRO। तो IMF में आपको दिख रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, इनके ये कार्यकारी निर्देशक बन चुके हैं डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जी ठीक है। आइए थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है कार्यकारी निर्देशक भारत की तरफ से पद संभालेंगे, कैबिनेट की नियुक्ति की गई है और ये जो है 1 नवंबर 2022 से पद पर कार्यशुल्क हो जाएंगे ठीक है।
अगले 3 सालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जो थे, इससे पहले डॉक्टर सुरजीत भल्ला का स्थान लेने जा रहे हैं, मतलब सुरजीत भल्ला जी थे IMF के कार्यकारी निर्देशक भारत की तरफ से, ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर भल्ला 2019 में सिलेक्ट किया गया था IMF के लिए, ठीक है, जो भारत के रूप में सेवा कर रहे थे अभी तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है IMF के नए कौन बने कार्यकारी निर्देशक, तो आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक है। IMF के बारे में थोड़ा मैं बता दूं भाइयों कि IMF जो है इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कुल मिला के यह किसी भी देश कोई कर्ज में डूब रहा है या फिर या आर्थिक मंदी कम हो गई है वहां उनको सहारा देने के लिए IMF खोला गया, ठीक है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें कम से कम 190+ देश शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक क्रिस्टिना जॉर्जिवा यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। आपको प्रॉपर तरीके से सभी जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2021 के लिए हिंदी लेखक किस व्यक्ति को नई दिल्ली में 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, तो कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, या डॉक्टर अजगर वजाहत है, या अज्ञेय जी है। कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर तो हो जाता है सी, डॉक्टर अजगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला है जो कि एक बहुत ही अच्छे हिंदी लेखक हैं, ठीक है। कुंवर नारायण को मिल चुका, केदारनाथ सिंह को भी, अज्ञेय जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। आपसे पूछ सकता है या इनमें से कोई नहीं है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए थोड़ा मैं इनके बारे में जिक्र कर लूँ। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर वजाहत को उनकी नाटक महाबली के रूप में, इम्पोर्टेंट है नाटक को याद कर लेना, महाबली के रूप में 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? प्रोफेसर जो चयनित जो टीम थी वहां की, रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सिलेक्ट किया था डॉक्टर वजाहत को, ठीक है। यह किताब 2019 में प्रकाशित हुई थी, नाटक महाबली जो है। और इसके बारे में बता दूं, जो नाटक महाबली रचना है यह कवि तुलसीदास पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई है, ठीक है। अजगर वजाहत को 2009-10 में ऑलरेडी हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका ऑलरेडी, और उन्हें 2014 में नाटक लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी सर्वोच्चल का और छाला का सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? डॉक्टर वजाहत सिंह को, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये नाटककार महाबली इन्होंने लिखी थी और 31वें व्यास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, जिसकी टीम थी रामजी तिवारी की, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में इनको सिलेक्ट किया गया। थोड़ा मैं बता दूं व्यास सम्मान क्या होता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। KK बिरला फाउंडेशन या पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के उन लोगों को देता है जिन्हें हिंदी भाषा साहित्य में काम किया है और पिछले 10 वर्ष से अपने काम में प्रकाशित कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। व्यास सम्मान के विजेता को 4,00,000 नगद और एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका भेंट की जाती है। 2020 के लिए 30वां जो व्यास सम्मान मिला था वो प्रसिद्ध हिंदी लेखक है प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था। उनका उपन्यास था इम्प्रेस ऑफ पाटलिपुत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30वां 31वां दोनों को पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। सभी चीज की जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, अनंग ताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या लक्षद्वीप। जो अनंग ताल झील है नई दिल्ली में स्थित है, तो इसको लेकर के यह स्मारक घोषित कर दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत, ठीक है। आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि जो दक्षिण दिल्ली में स्थित अनंग ताल झील को संस्कृत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। और स्मारक और पुरा अवशेषों में राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट के अनुसार अनंग ताल झील 1060 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। आपसे पूछ सकता क्वेश्चन यहाँ से भी किस प्रकार से अनंग ताल झील कहाँ पर है और यह किसमें यह राष्ट्रीय महत्व में कब स्मारक में घोषित की गई, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है ने डेटा भंडारण मानदंड के अनुपालन के बाद किस क्रेडिट कार्ड सेवा पर प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो अमेरिकन एक्सप्रेस पर हटा दिए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जो बैंक से रिलेटेड जो बच्चा तैयारी कर रहा है वहां यहां से क्वेश्चन पूछेगा 101% उससे, ठीक है। घबराना है नहीं किसी भी प्रकार से, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अमेरिकन एक्सप्रेस, और बाकी के गलत हो जाते हैं स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सभी गलत हो जाते हैं और राइट आंसर हो जाता है ए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, जो भारतीय रिजर्व बैंक है अपना
अमेरिकी एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प प्रतिबंध वापस ले लिया है। कंपनी को डेटा भंडारण मानदंडों के संतोषजनक अनुपालन के बाद नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने 2021 में भुगतान प्रणाली डेटा भंडारण पर आरबीआई के नियमों का पालन न करने के लिए यूएस बेस्ट क्रेडिट कार्ड सेवा को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो इसलिए अमेरिकन एक्सप्रेस को इस कार्ड को बंद कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से आरबीआई द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। ठीक है कि आरबीआई द्वारा किस एक्सप्रेस बैंक को बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IWAI, RVNL ने किस योजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बगली हार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, या भारत माला परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना? तो आपको दिख रहे होंगे सड़क परिवहन मंत्री भारत, इसका राइट आंसर हो जाता है सी, भारत माला परियोजना के तहत यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, आपको पता होगी। ठीक है, आइए थोड़ा मैं बता दूं कि आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड NHLML, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI जिसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड इसकी इंग्लिश में है, द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है, नितिन गडकरी साहब दिख रहे होंगे ये करते हुए त्रिपक्षीय समझौते को। ठीक है, आपको पूछ सकता है क्या है, कहां, किस किस के बीच में समझौता हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, नई दिल्ली में? आपको पता होगी यह जो नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि भारत के प्रमुख खनन कंपनी NMNDC, ठीक है, ने फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में ट्रांसिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047 थीम पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, और आजादी का अमृत महोत्सव को एक भाग के रूप में इस सम्मेलन का आयोजन इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि इसकी जो अध्यक्षता की गई है कहां पर की है, किसके द्वारा की है, सभी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, और यह सिंधिया साहब दिख रहे होंगे आपको प्रॉपर तरीके से इसको होस्ट करते हुए। नेक्स्ट है, किस देश ने सुरक्षा सहायता में $3 बिलियन के साथ यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बाइडेन साहब, तो इन्होंने ही जो यूक्रेन है 24 अगस्त को उसका इंडिपेंडेंस डे था, और यह अब तक का पिछले जो 6 महीने जो जंग चल रही है अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज दिया है उनके इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में यूक्रेन को दिए गए हैं, मतलब कुल मिलाकर मदद की है। किसने, रूस ने, अमेरिका ने, भारत ने, अमेरिकी ने की है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बाइडन आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। मैं थोड़ा बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सुरक्षा सहायता में $3 बिलियन के साथ यूक्रेन के स्वतंत्र दिवस को चिन्हित किया, 6 महीने पहले रूस के आक्रमण के बाद, यह देश का सबसे बड़ा पैकेज सहायता है, सहायता पैकेज है, और नए पैकेज में 6 अतिरिक्त सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी शामिल कर दी गई है, तो ये सभी चीजें दे दी गई हैं ऑलरेडी फिक्स 24 अगस्त को, जो जिस दिन यूक्रेन का अपना इंडिपेंडेंट डे था। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आज भी बताई है इस क्लास के अंदर, कल बताया था कि 31वां अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया था 24 अगस्त को, किसने, यूक्रेन ने, ठीक है, जो कि 1991 से पहले USSR का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन। ठीक है, उसका पूरा इतिहास मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कल बता दिया था, और मैं पिनअप कर दूंगा इस वीडियो को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छा सेशन लगा होगा, क्लास का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, हर चीज को मैं डिटेल वाइज इसी तरीके से बताता हूँ, और PDF आपको 11 बजे ऑन टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से जाकर वहां से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ अपने भाई से विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।